तो दोस्तों सबसे पहले गूगल पे एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग आपको लिखकर सर्च करना है। जैसे ही दोस्तों एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग लिखकर सर्च करेंगे आपको जो है वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए लिंक आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक पर्सनल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ये दोनों दोस्तों ये लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक्सिस बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग में पर्सनल और यहाँ पे लॉगिन करके ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करेंगे लॉगिन करने के लिए आपको जो है दोस्तों दो तरीके का लॉगिन करने का ऑप्शन है, एक तो कस्टमर आईडी के थ्रू और दूसरा डेबिट कार्ड के थ्रू। अगर आपके पास कस्टमर आईडी है तो आप यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल सकते हैं, अदरवाइज आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास सभी कस्टमर आईडी है और यहाँ मैं कस्टमर आईडी डाल दिया हूँ। अभी मेरे पास जो पुराना पासवर्ड है जो मुझे याद है, एक बार हम डालकर ट्राई करते हैं ओपन होता है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल दिया और इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर दोस्तों हमें लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों कैप्चा कोड आपको करेक्ट डालना है, कभी कभी कैप्चा कोड जो है दोस्तों प्रॉपर ना होने की वजह से लॉगिन नहीं हो पाता है। आपके स्क्रीन पे उस वक्त जो भी कैप्चा कोड होगा आपको सही तरीके से देखकर वापस से हमें लॉगिन करना है। दोस्तों कैप्चा कोड अभी मैंने डाल दिया है, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ हम आएंगे और वहाँ पर दोस्तों लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा। दोस्तों जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी मैंने कैप्चा कोड गलत डाला था, इसकी वजह से मेरा अभी लॉगिन नहीं हुआ है, हम दोबारा ट्राई करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अब जैसे ही दोबारा ट्राई करेंगे आप वापस से, अगर आपका पासवर्ड करेक्ट होगा तो ओपन हो जाएगा, अगर आपका पासवर्ड करेक्ट नहीं होगा तो दोस्तों नहीं ओपन होगा। तो ऐसे में हमें दोस्तों हमारा पासवर्ड अगर हम भूल जाते हैं, हमारा पासवर्ड डेटा वगैरह करेक्ट नहीं है, तो हमें कैसे दोस्तों हमारा पासवर्ड को हमें रीसेट करना है। यहाँ पे दोस्तों फॉरगॉट पासवर्ड करके ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेट हियर, यहाँ पे इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों रिसेट हियर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी डालना पड़ेगा, जो भी आपका कस्टमर आईडी आपको मिला होगा। ये कस्टमर आईडी दोस्तों अगर आपके पास नहीं होगा तो आप दोस्तों यहाँ पे गेट कस्टमर आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ बेसिक डिटेल डालकर आप अपने कस्टमर आईडी को पा सकते हैं। या तो दोस्तों आप इसमें बताया गया है कस्टमर आईडी आप अपने पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में भी आपको लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें कस्टमर आईडी नंबर डाल देना है। कस्टमर आईडी डालने के बाद हमें दोस्तों ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों दो तरीके से वेरिफिकेशन होता है, एक तो आप ओटीपी के माध्यम से, दूसरा डेबिट कार्ड के माध्यम से। ओटीपी के माध्यम से करेंगे बेस्ट रहेगा, ओटीपी, और आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है, इसके बाद आपका पैन कार्ड डालना है, दोनों डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड करेक्ट डालना है, नहीं तो आपका डेटा आगे प्रोसेस नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड डालकर दोस्तों सेलेक्ट ऑल टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे दोस्तों जो है पासवर्ड जनरेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देगा, नाम, पैन कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी डालने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। दोस्तों गेट वेरीफाई पे करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोस्तों पासवर्ड गया रहेगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो भी आपके पासवर्ड आएगा, चार अंक का पासवर्ड होता है, 4 डिजिट, तो वो मोबाइल नंबर पे जो भी पासवर्ड होगा आपको यहाँ पे डालना ऊपर वाले ऑप्शन में। नीचे दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी पे जो पासवर्ड रिसीव होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के जरिए भी कर सकते हैं, आपका कुछ अलग से प्रोसेस नहीं है, ये सेम प्रोसेस आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं। दोनों पासवर्ड डालने और ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कैप्चा कोड इंटर करना है, जो भी आपके स्क्रीन पे उस वक्त जो भी कैप्चा कोड दिखाई देता रहेगा आपको वो कैप्चा कोड यहाँ पे डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों कैप्चा कोड डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो है पासवर्ड वो जनरेट हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको अभी बारी आती है हमारे पास पासवर्ड हमें सेलेक्ट करने की। हमारे पास दोस्तों पासवर्ड जो है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और एक स्पेशल करेक्टर जैसे स्टार है न्यूमेरिकल लेटर में, ये आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरा पासवर्ड दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से डाल दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन है और स्ट्रांग करके ऑप्शन है यहाँ पे पासवर्ड, और नीचे का पासवर्ड जो ऊपर पासवर्ड और सेम नीचे का पासवर्ड मैच किया हुआ। सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। अभी ये पासवर्ड से दोस्तों हम दोबारा से हम एक्सिस बैंक को लॉगिन कर सकते हैं, हमारा नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने एक्सिस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। आप भी अपने मोबाइल फोन या ऐप के जरिए भी प्रोसेस सेम प्रोसेस कर सकते हैं।